सेड, ये एक पोयम है क्लास 7 के इंग्लिश बुक में, और इसे लिखा है फ्रैंक फ्लिन ने। स्टूडेंट्स, सेड क्या होता है पहले हम लोग सेड को समझेंगे। शेड इज अ स्मॉल केबिन और रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, टूल्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, काउ सेड, टूल सेड, वुड। बहुत सारे घरों में इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें जो मेन बिल्डिंग होती है, मेन हाउस होता है, उससे दूर एक छोटा सा कमरा सेपरेटली बनवाया जाता है, इन्हीं सारे पर्पस के लिए, एनिमल्स को रखने के लिए, टूल्स को रखने के लिए, या जानवरों को, व्हीकल्स को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या घर के टूटे फूटे हुए सामानों को वहां स्टोर किया जाता है। इस पोएम को पोएट ने लिखा है एक चाइल्ड के बिहाफ पे। दैट मीन्स एक चाइल्ड है, उसके मन में अपने सैड को देखकर जो भावनाएं आती हैं, जो क्यूरियोसिटी आती हैं, उन्हें एक्सप्लेन किया गया है इस पोएम में। इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में वो चाइल्ड बताता है, हमारे गार्डन के निचले हिस्से में, दैट मीन्स दूर वाले छोर पर एक सेड है। उस सेड के दरवाजे पर मकड़ियों के जाले लगे हैं, अर्थात उस सेड में कोई जाता नहीं है, उसे खोला नहीं जाता। स्पाइडर वेब का यूज यहाँ खास तौर से पोएट ने किया है, यह बताने और दर्शाने के लिए कि वह सेड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वह दरवाजा नियमित रूप से खोला जाता तो वहां मकड़ियों के जाले नहीं होते। खुलने वाले दरवाजे के पार या दरवाजे के ऊपर तो मकड़ियों के जाले नहीं हो सकते। उस दरवाजे के हिंजेज में जंग लगे हुए हैं। हिंजेस कहा जाता है उस सपोर्ट को जिस पर दरवाजा झूलता है, खुलता है और बंद होता है। उस जंग की वजह से हवा के चलने पर उस दरवाजे से चरमराहट की आवाज होती है। यह तो बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि अगर दरवाजे के कड़ियों में, हिंजेस में जंग होंगे तो जब भी उसे खोला जाएगा तो वो ची की आवाज करेगा, यानी चरमराहट की आवाज निकलेगी। फिर वो चाइल्ड कहता है कि जब भी मैं अपने बेड पर सोता हूं तो मुझे यह चरमराहट अस्पष्ट सुनाई पड़ती है। अस्टैंजा के लास्ट लाइन में पोएट अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि एक न एक दिन वह इस दरवाजे को जरूर खोलेगा, खोलकर देखेगा। नाउ दिस इज सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में वह चाइल्ड आगे बताता है, इस शेड के एक दीवार पर एक धूल भरा पुराना विंडो है। इस विंडो के तीन कांच टूट गए हैं। वहां से गुजरते हुए अक्सर मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे उस कमरे से कोई मुझे देखता रहता है, मुझे घूरता रहता है जब कभी भी मैं वहां से गुजरता हूं। इस स्टैंजा के भी लास्ट लाइन में वो चाइल्ड फिर से अपनी इच्छा को दोहराता है कि एक ना एक दिन मैं उस विंडो के अंदर झांक कर जरूर देखूंगा। दैट इज, उस चाइल्ड के मन में क्यूरियसिटी है और वह विंडो से झांक कर देखना चाहता है। इस पोएम में जो चाइल्ड है वह थर्ड स्टैंजा में अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है। वह कहता है कि उसका भाई कहता है कि उस शेड के अंदर कोई घोस्ट रहता है, कोई भूत रहता है, जो कि उस शेड के सड़े हुए फ्लोर बोर्ड के नीचे छुपा रहता है। फ्लोर बोर्ड मीन्स सतह पे बिछाए जाने वाले लकड़ियों के टुकड़े। फ्लोरिंग करने के लिए टाइल्स की जगह लकड़ियों के टुकड़ों का यूज किया जाता है, उसे फ्लोर बोर्ड कहते हैं। और अगर मैं कभी उस शेड के अंदर कदम भी रखूंगा तो वह, अर्थात वह घोष्ट निकलकर बाहर आ जाएगा, उछलकर बाहर आ जाएगा और मेरा सिर काट देगा। लेकिन पोएट कहता है, पोएट अपने मन की बात कहता है, वह डरता नहीं है और फिर आगे कहता है कि किसी न किसी दिन जरूर ही उस कमरे में झांक कर देखूंगा कि वहां कौन रहता है, कौन सा घोस्ट रहता है। फोर्थ स्टैंजा में चाइल्ड बताता है कि मैं जानता हूं कि सचमुच में वहां कोई घोष्ट नहीं है,
सचमुच में वहां कोई भूत नहीं है। मेरा भाई मुझे झूठ बोलकर डराता है क्योंकि शायद वह उस शेड को अपने छुपने की जगह बनाना चाहता है और उसे मुझसे सुरक्षित रखना चाहता है। वहां कोई भी नहीं है और शायद मुझे भ्रम है, मुझे वहां से कोई देखता भी नहीं है, घूरता भी नहीं है, कोई विचित्र आवाजें निकालने वाला भी उस शेड के अंदर कोई भी नहीं है, वहां कोई नहीं है। लेकिन पता नहीं स्पाइडर अपने जाले से निकलकर कब जाएगा। वह चाइल्ड स्पाइडर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह कहता है पता नहीं स्पाइडर यहां से कब जाएगा। स्पाइडर अपने जाले से निकलकर कब जाएगा यह उस चाइल्ड को पता नहीं है, इसलिए वह कहता है कि इतनी जल्दी तो नहीं, पर किसी न किसी दिन मैं अवश्य ही उस शेड में जाऊंगा। अभी तो नहीं, लेकिन इतना विश्वास है कि फिर कभी।